स्वागत है आप लोग का यूपी ब्लॉगर आराध्या चैनल में। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हो, आज हम और सासू माँ दोनों आए हैं चूल्हे पे खाना बनाने के लिए। क्यों आए हैं आज, मैं आप लोग को ये रीज़न भी बता देती हूँ। क्योंकि जो हमारे ससुर जी हैं, उनकी फरमाइश थी कि आज आप लोग गैस पे रोटी नहीं बनाओगी, चूल्हे पे बनाओगी, तो जाओ हमारे लिए जो है चूल्हे पे बना के लाओ। तो ससुर जी को देख रहे हो, हम दोनों को परेशान कर दिए, सासू माँ को और हमें, कड़कती धूप में बोले कि जाओ रोटी बना के लाओ। तो टाइम भी हम बता देते हैं यार, नहीं तो आप लोग की भाभी 10 बज रहे हैं क्या? नहीं यार, सिर्फ 7:30 बज रहे हैं। 7:30 बजे अगर धूप निकलता भी है तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि ठंडा मौसम रहता है, उतनी गर्मी नहीं लगती चूल्हे पे। हाँ, ये तो सच है कि चूल्हे की जो रोटी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है और स्वादिष्ट भी होती है खाने में, और गैस वाली तो ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो गाइस, हमने रोटी तो बना लिया, चल। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हो, सासू माँ और जानवी नीचे जा रही हैं, जिद करने लगी कि हमें भी लेके चलो, तो उन्हें भी लाना पड़ा। और इतनी ऊपर लेके जाओ तो सांस जो है फूलने लगती है। तो आपको पता है कि हमारी जो चूल्हा बनाया गया है वो सबसे ऊपर, मतलब तीसरे तल्ले पे है। तो चलो चलते हैं फटाक से नीचे और आप लोग को दिखाते हैं कि हमारी जान भी जो है कहाँ भाग रही है। ये देखो, आगे आगे जा रही है और इनके पीछे हम आ रहे हैं। आप ये जाके ये देखो, मिट्टी खेलने लगी। तो गाइस, जब हम थोड़ी देर बाद आप लोगों से मिलते हैं। हम किचन में आ गए हैं और आप लोगों ने सुबह देखा ही कि मैंने सुबह क्या बनाया था, क्योंकि आज हमारे जो पापा जी हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किए। और अब हम आ गए हैं अपने किचन में और शाम के टाइम देखो क्या बनाने वाले हैं। जो भी बनाएंगे, आपने अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया है। मेरा फेस कैसा लग रहा है, रूखा रूखा सा ना, ना मैंने बाल भी बनाया। जस्ट मैंने अभी चाय बनाई, फिर उसके बाद मैंने सबको दिया नाश्ता, बनाया सब पूरी और कद्दू की सब्जी, कद्दू की सब्जी और पूरी। आप देखना चाहते हो कौन है? ये हमारी सबसे छोटी ननद है, हमारे पास आई है किचन में। देखो शर्मा रही है। कद्दू की सब्जी होती है ना और पूरी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, हद से ज्यादा पसंद है। हम उसे ना बहुत ज्यादा खाते हैं, कद्दू की सब्जी पूरी यानी कोहड़ा। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। और मैंने आप लोग को दिखा ही दिया ना कि मैंने सुबह से लेके शाम तक क्या किया, आप लोगों ने देखा ही। तो सुबह भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया, अब शाम हो गई, इसे भी शेयर कर देते हैं। और आप लोग देख रहे हो, हमने सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे देखो आलू के छिलके भी निकाल लिए हैं और कद्दू के भी छिलके निकाल लिए हैं। और अब इसे हम जो है छोटे छोटे टुकड़े में इसे काट लेते हैं और चलो आप लोगों को कुछ और दिखाते हैं। आप लोग देख रहे हो, यहाँ पे हमने सब्जी में डालने के लिए लहसुन, हरी मिर्च और प्याज और टमाटर लिए हैं। और चलो हम इसे कट कर लेते हैं, जितने भी है हम इसका लहसुन और इसमें अदरक डालेंगे और ये जीरा रहेगा, इसका हम पेस्ट बनाएंगे, ठीक है गाइज। और जो हरी मिर्च देख रहे हो, इसे हम छोटे छोटे टुकड़े में कट करेंगे और इस प्याज को भी हम पतले पतले टुकड़े में कट करेंगे। और टमाटर को तो कट करना जानते ही हो किस तरीके से कट करना है, तो चलो हम फटाफट इसे कट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे आए थे अपने खेत में, पीछे की तरफ आए थे, यहाँ पे जो है कद्दू उगाया गया है और बैंगन उगाया गया है। मैं धनिया की पत्ती लेने आई थी, ये देखो इतना थोड़ा सा मिला है, धनिया की पत्ती लेने आई थी। तो हमने सोचा चलो थोड़ी सी क्लिप निकाल लेते हैं। आप लोग देखना चाहते हो, बैगन जो है ज़्यादा फरे नहीं है, ये देखो सिर्फ एक बैगन फरा हुआ है, ये देखो फरे हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें बैगन नहीं फरे हैं, ये देखो इसमें ये वाले बैगन फरे हैं, अभी छोटे छोटे हैं। तो गाइस, मैंने जो है धनिया की पत्ती ले ली है सब्जी में डालने के लिए। चलो अब जो है चलते हैं किचन में। तो गाइस, ये देखो धनिया की पत्ती सूख गई थी, ज़्यादा थी नहीं, तो मैंने यहाँ इतना थोड़ा सा पाई हूँ, अब इसे हम सब्जी में डालेंगे। अभी हम आप लोगों को और कुछ भी दिखाएंगे।
तो चलो चलते हैं किचन में। अब चलो, लाइट भी नहीं आई है और किचन में अंधेरा भी है। चलो अब हम लैंप को जला देते हैं, थोड़ा सा लाइट आ जाए। लोग देख रहे हो मैंने गैस को ऑन कर दिया है। अब इस पे कढ़ाई तो मैंने रख दी, कढ़ाई भी हमारी गर्म हो गई है। अब इसमें हम डालने वाले हैं राई का तेल यानी सरसों का तेल। तो सब्जी बनाने के लिए थोड़ी ज़्यादा मात्रा में मैंने तेल लिया है, देखो ज़्यादा तेल नहीं लेंगे लेकिन हाँ इतना तो लेंगे ही जिससे सब्जी जो है स्वादिष्ट बने। तो गाय जब तक ये तेल गर्म होता है चलो हम जो है चलो दूसरा काम कर लेते हैं यार। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हो तेल मेरा गर्म हो गया है। अब इसमें हम डालने वाले हैं मेथी के दाने। मेथी के दाने डालने से ना स्वाद बहुत बढ़िया आता है। और तो गाइज आप लोग देख रहे हो मैंने प्याज को भी कट कर लिया, हरी मिर्च कट कर लिया और लहसुन और जीरे का जो है पेस्ट भी बना लिया। यहाँ पे देखो मैंने कद्दू को भी कट कर लिया, टमाटर को भी कट कर लिया। बहुत से लोग हैं ना कद्दू को और आलू को उबाल के बनाते हैं लेकिन हम जो है कच्चा बना रहे हैं, कच्चा भी बनाने में बहुत बढ़िया स्वाद आता है। तो गाइज आप लोग देख रहे हो मेथी मेरी पक गई है। अब इसमें हम डालने वाले हैं प्याज। तो गाइज आप लोग देख रहे हो प्याज मेरी जो है थोड़ी सी पक गई है, ये देखो। अब इसमें हम डाल देंगे हरी मिर्च। अब इसे भी हम थोड़ा पका लेंगे अच्छे से। आप लोग देख रहे हो प्याज और हरी मिर्च मेरी पक गई है। अब इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं जो मैंने लहसुन का पेस्ट बनाया था, अब उसे हम डाल देंगे, अदरक लहसुन और जीरे का। तो अब इसे भी हम अच्छे से भुनेंगे। जब इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तब इसमें हम मसाले को ऐड करेंगे। तो चलो हम दिखा देते हैं कि मैंने मसाले में क्या क्या लिया है। तो गाइस यहाँ पे मैं ले रही हूँ हल्दी पाउडर, थोड़ा सा ही हल्दी पाउडर लेंगे। और इसके बाद हम लेंगे धनिया पाउडर। अब इसके बाद हम लेने वाले हैं सब्जी मसाला। इसके बाद हम लेने वाले हैं गरम मसाला। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका हम एक घोल तैयार करेंगे कुछ इस तरीके से, आप लोग देख रहे हो ना। ये देखो मैंने मसाले को तैयार कर लिया, मेरा मसाला तैयार हो गया है। तो गाइस आप लोग देख रहे हो मेरा प्याज भी पक गया है। अब जो मैं मसाले तैयार की थी अब इसमें हम डाल देंगे। और गैस को मैंने स्लो कर दिया है नहीं तो हमारा मसाला जो है जल जाएगा। और इसे हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक इसकी खुशबू ना आनी शुरू हो जाए। और जब ये किनारे किनारे से तेल को छोड़ने लगेगा मसाला तो समझ जाना आपका जो मसाला है सब्जी मसाला वो तैयार हो चुका है। तो इसके बाद जो आपने सब्जी को कट किया है आप इस मसाले में ऐड कर देना। तो गाइस चलो हम तब तक इस मसाले को भून लेते हैं अच्छे से ताकि जो है जब मसाला आपका पकेगा तभी जो है सब्जी स्वादिष्ट बनेगी। आज आप लोग देख रहे हो ना ये जो मसाला है किनारे से छोड़ना शुरू हो गया है। तो गाइस मेरा मसाला जो है पक चुका है। अब इसमें हम डालने वाले हैं टमाटर और कद्दू आलू जो मैंने सब्जी को कट किया है, अब इसे हम डाल देंगे इसमें, ठीक है। हाँ गाइस आप लोग देख रहे हो मैंने जो है सब्जी में हरी धनिया की पत्ती भी कट की है, पहले से ही कट कर दी है। बहुत से लोग हैं ना सब्जी पक जाने के बाद धनिया की पत्ती कट करते हैं लेकिन हम जो है जब भी कद्दू की सब्जी बनाते हैं तो पहले से ही कट कर देते हैं सब्जी में, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है ऐसे बनाने में। तो गाइस थोड़ा तो टाइम लगेगा ही सब्जी को बनाने में क्योंकि हम कच्चा बना रहे हैं। तो गाइस इसके बाद हम डाल रहे हैं नमक, आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते हो। अब चलो हम इसे मिक्स कर लेते हैं, अच्छे से मिला देते हैं ताकि जो नमक है चारों तरफ से बराबर से मिल जाए कुछ इस तरीके से।
आप लोग देख रहे हो। यार खुशबू बहुत बढ़िया आ रही है कद्दू की सब्जी, माय फेवरेट सब्जी। तो गाइस अभी से हम एक थाली से ढक देते हैं और जो मेरी सब्जी है 15-20 मिनट में पक के तैयार होगी। ठीक है गाइस, चलो अब हम पूड़ी बनाने के लिए आटा तैयार कर लेते हैं। इस सब्जी को हमने बना लिया है, मोबाइल हमारी डिस्चार्ज होने वाली थी तो हमने सोचा चलो मोबाइल को लगा देते हैं, थोड़ा सा चार्ज हो जाएगा, नहीं तो अभी स्विच ऑफ हो जाएगी तो हम आगे का वीडियो कैसे बनाएंगे। क्योंकि चल रहे हैं आटा गूंथने और उसके बाद बनाने वाले पूड़ी, जैसा हमने कहा था तब तो सब्जी हमारी पक के रेडी हो जाएगी, उसके बाद हम पूड़ी बनाएंगे। तो चले गाइस आटे को गूंथ लेते हैं और जो है मोबाइल चार्ज में लगा देते हैं, थोड़ा बहुत चार्ज भी हो जाएगा क्योंकि आज जो है दिन में लाइट आई नहीं थी, अब जाके लाइट आई हुई है। तो इस समय शाम के बज रहे हैं 7:30, आज हम जो है बहुत जल्दी खाना बना रहे हैं क्योंकि हमारे घर वाले बोले कि पूरी सब्जी बना रही हूँ तो जल्दी से बनाना क्योंकि आज हम लोग गरम गरम खाने वाले हैं। तो मैंने कहा ठीक है, तो सब्जी हमने ऑलरेडी बना दिया है, मतलब अभी पक रहा है, उसे गैस पे चढ़ा के आई हूँ, आप लोगों ने देखा ही। अब इसके बाद हम जा रहे हैं आटे को गूंथने और पूड़ी बनाने। तो गाइस आप लोग देख रहे हो जानवी का ड्रेस है, जानवी का जो ड्रेस है ना मैंने यहाँ पे टांग दिया था, उनका दोनों फ्राक ने देखो कहाँ पे टांगी हुई है, देख रहे हो। मेरे अलमारी में भी कांच लगे हैं और इस तरफ जो है सिंगारदान है वहाँ से दिखाई दे रहा होगा ना जानवी का जो ड्रेस है। तो गाइस चलो जल्दी से, नहीं लेट हो जाएगा, फिर हम आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ठीक है, सब्जी हमारी पक के रेडी हो गई है, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर कमेंट में और आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलो अब हम पूड़ी बना लेते हैं। ठीक है गाइस, तो दोस्त बताइए ना पूड़ी खाने का मन कर रहा है ना पूड़ी देख के, क्योंकि इतनी अच्छी पूड़ी जो बना रही हैं आपकी भाभी। तो बताइए आपको खाना है ना, तो जल्दी से आप लोग भी हमारे घर आ जाइए और आप लोगों के लिए भी भाभी कद्दू की सब्जी पूड़ी बना रही है, खा लेना। हेलो दोस्तों, सुबह हो गई है और रात काफ़ी लंबी हो गई थी तो मैं इस कहानी को जो है डी एंड नहीं कर पाई थी, तो हमने सोचा चलो जानवी से ही इस कहानी का डी एंड करेंगे और एक नई कहानी आप लोगों के लिए शुरू करेंगे। तो गाइज चलो चलते हैं। और हाँ गाइज, अगर ये वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना, और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में।